हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं मॉडल में और टू का प्रयोग। और टू का भी मतलब होता है चाहिए। इसके पहले भी हम लोगों ने तमाम सारे मॉडल पढ़े, कैन, वुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, तमाम सारे हम लोगों ने मॉडल का प्रयोग पढ़ा। तो शुड का भी मतलब चाहिए, मस्ट का भी मतलब है चाहिए और टू का भी मतलब है चाहिए, लेकिन सबके फंक्शन अलग अलग हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑट टू की, ऑट टू का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। तो इससे पहले कि यह वीडियो शुरू हो, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसे भी आप टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं ऑट टू का कि ऑट टू का प्रयोग होता कहाँ है। तो जितने भी हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं, हमारे नैतिक जो कर्तव्य होते हैं, उस नैतिक कर्तव्य का बोध अगर हो रहा है और वहाँ चाहिए के अर्थ में है तो वहाँ पे हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। अगर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध हो रहा है तब भी हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यानी जो भी हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध कराने पर ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात ऑट का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो नॉट फिर टू का प्रयोग किया जाता है, यानी सब्जेक्ट ऑट फिर नॉट फिर टू, फिर उसके पश्चात वर्ड फर्स्ट फॉर्म और उसके पश्चात जो भी अदर वर्ड होते हैं उनको हम लिख देते हैं। अगर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ से नॉट हट जाता है। तो जैसे लिखा है कि तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो बड़ों का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेदारी है। जो भी हमारे बड़े हैं उनका सम्मान करना, तो यह नैतिकता का बोध करा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग करेंगे कि तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये हो जाएगा यू ऑट टू, उसके पश्चात सम्मान करना तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, रिस्पेक्ट बड़ों का तो एल्डर, यानी वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यह हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य का बोध होने पर ऑट टू का प्रयोग हम करेंगे। अब हम यहाँ शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि नैतिकता का बोध होगा तो हमको ऑट टू का ही प्रयोग करना है। क्योंकि जो शुड होता है वह इससे एक तरह से यानी इसके कंपेयर में वह छोटा होता है, लेकिन वही जो मस्ट होता है इससे, क्योंकि एकदम नितांत आवश्यक जब हो तब वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ होता कि हमें बड़ों का अपमान करना चाहिए तो यह हमारे नैतिक कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ ऑट टू का प्रयोग होता ही नहीं। हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो यहाँ पर हमको ऑट टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ हो गया वी ऑट, अब नेगेटिव है तो यह जो टू लगेगा इसके बीच में हमको नॉट लगा देना है, तो वी ऑट नॉट टू और इंसल्ट एल्डर्स, यानी हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी का बोध करा रहा है। फिर आगे है कि हमें सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकनी चाहिए, यह भी हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने परिवेश को साफ सुथरा रखना चाहिए, कूड़ा हमें डस्टबिन में ही जाकर के डालना चाहिए। तो अगर हम कूड़ा सड़क पर फेंकते हैं तो निश्चित है अपनी नैतिक जिम्मेदारी से विमुख हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमको हमें सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ हो गया वी ऑट, फिर यहाँ कर देंगे नॉट टू थ्रो द डस्ट, या रबीस भी हो सकता है, ऑन द रोड,
ये हो गया। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है हर भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे भी और टू का प्रयोग करना है कि हर भारतीय को, तो एवरी इंडियन फिर हो जाएगा और टू ऑनर सम्मान करना। अब किसका सम्मान करना, तो राष्ट्रीय ध्वज का, द नेशनल फ्लैग। द नेशनल फ्लैग कि हमें, यानी एवरी इंडियन ऑट टू ऑनर द नेशनल फ्लैग, हमें राष्ट्रीय जो भी हमारा ध्वज है, जो संविधान है, या राष्ट्रीय जितने धरोहर हैं उनकी, उनका सम्मान करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिकता का बोध होने पर हमको आर टू का प्रयोग करना है। फिर आगे देखते हैं कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह भी उसकी जिम्मेदारी है, उसका नैतिक कर्तव्य है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम आर टू का प्रयोग करेंगे कि ऑट नॉट टू टेल अ लाई, तो नाट के बाद टू, यानी आठ टू के बीच में नाट, या आठ और टू के बीच में नाट लगा, टेल लाई। तो जब झूठ बोलना होता है तो उसके साथ बोलने की अंग्रेजी टेल लगाते हैं, वही अगर सत्य बोलना हो तो उस समय हम स्पीक का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, यानी जितने भी भारत में, चूँकि यह धर्म प्रधान देश है, बहुत सारे धर्म है इसमें, तो हर एक इंसान का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करे। इसलिए यहाँ दे रहा है कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आर टू का प्रयोग होगा, तो वी आर्ट टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, ऑल द रिलीजन, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। फिर दिया है कि तुम्हें अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर भी वही कार्य है कि तुम्हें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी वही है कि हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। यू ऑट नॉट टू इंसल्ट The elders, अगर वही इंट्रोगेटिव होता तो ये आर्ट पहले आया था, जैसे तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो आर्ट यू टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, जहाँ पर भी क्या से शुरू होना होगा इंट्रोगेटिव में, कि हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, अगर हो जाता कि क्या हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो आर्ट वी नॉट टू इंसल्ट एल्डर्स, क्या हमें सड़क पर कूड़ा फेंकना चाहिए, तो आर्ट वी थ्रो द डस्ट ऑन द रोड, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आर्ट पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। तो आइए इसके कुछ और भी यूज देखते हैं। यदि वाक्य में पास्ट का बोध होता हो, जैसे दिया है कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, यदि पास्ट का बोध होता हो तो उस समय हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात ऑट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात टू, उसके पश्चात हैव का प्रयोग हो जाता है, और वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाता है, फिर जो भी अदर वर्ड होंगे उस अदर वर्ड को लिख देते हैं। जैसे दिया है कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, यानी बीते हुए समय की बात बता रहा है कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, यह तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, तो यहाँ पर प्रयोग कर दिया जाएगा यू ऑट टू हैव, और वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड दी पुअर। अब यहाँ ध्यान देना है कि गरीबों की, अब यहाँ पे प्लूरल नंबर गरीबों हैं तो पुअर्स नहीं कर सकते हैं, इसके पहले अगर दी लग जाता है तो वह प्लूरल एकाएक हो जाता है। जैसे धनी, अगर धनी प्लूरल नंबर में है
तो द रिच ना कि रिचेज करेंगे, रिचेज करेंगे तो वह सीधे गलत हो जाएगा। तो इसलिए पुअर में यस नहीं जोड़ेंगे, उसके आगे दी लगाने से वह बहुवचन यानी जो भी प्लूरल नंबर उसका होगा वह हो जाता है। तो वी आर्ट टू हैव हेल्प द पुअर कि हमें नहीं सॉरी तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। फिर दिया है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पर भी पास्ट का बोध हो रहा है। तो उसे तो ही ऑट, उसके पश्चात नेगेटिव में है तो नॉट, उसके पश्चात टू, फिर हैव लगा के वर्ब थर्ड फॉर्म तो टोल्ड अ लाई, यानी ही ऑट नॉट टू हैव टोल्ड अ लाई कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था जैसा कि रूल के हिसाब से। उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी यानी उसने तुम्हारी मदद नहीं की, उस समय उसको मदद करना चाहिए था, वह उसकी जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ही ought to have helped तुम्हारी तो you, he ought to have helped you उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। आगे दिया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था यानी कुछ गलती हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह हमारी जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पे भी तो यू ought not to have done और ऐसा के लिए शो, यू ought not to have done शो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर दिया है कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ होना चाहिए ये पास्ट का बोध नहीं करा रहा है, ये हमारी नैतिकता का बोध करा रहा है कि आपको सत्यवादी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। तो ऐसा अगर बोध करा रहा है तो इसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात ऑट, उसके बाद टू का प्रयोग, उसके पश्चात बी का प्रयोग और उसके पश्चात ये नाउन आ जाता है, नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यह इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, नैतिकता है कि यह कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। तो वहाँ पर यू, अब यहाँ पे ऑट और बी यानी होना के लिए हम बी का प्रयोग कर देंगे, तो यू ऑट टू बी और ऑनेस्ट कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। फिर दिया है कि हमें सत्यवादी होना चाहिए, यह भी हमारा कर्तव्य है कि हमें सत्यवादी होना चाहिए। तो फिर यहाँ कर देंगे वी ऑट टू बी ट्रूथफुल, तो वी ऑट टू बी ट्रूथफुल कि हमें सत्यवादी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आर्ट टू का प्रयोग पढ़ा जिसमें हमारे नैतिक कर्तव्य का बोध होता हो, हमारी जिम्मेदारी का बोध होता हो, तो वहाँ पे आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं अब वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।